हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग्स को कवर करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है HTML फुल कोर्स इन हिंदी के नाम से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने VS कोड में फिर से, और सबसे पहला काम जो हमारा है यहाँ पे फाइल क्रिएट करना। तो फाइल का नाम मैं index.html ही रखता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हम कोई भी अगर HTML का कोड लिखते हैं तो जो फाइल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन हमारा जो होगा वो .html ही होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फाइल हमारे ब्राउज़र में ओपन होगा। ओके, तो अभी हमारा जो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करें, यानी कि डॉक्यूमेंट लाइक हम किस HTML के किस वर्जन में कोडिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक टाइप, और देखिए ये HTML 5 की निशानी है कि डॉक टाइप में बस हम यहाँ पे HTML ही लिख देते हैं, इससे पता चलता है ब्राउज़र को ये HTML 5 की कोडिंग है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे HTML का जो सबसे पहला टैग है उसको लिखते हैं, ये हमारा हो गया HTML। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा टैग आएगा वो आएगा हेड टैग। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेड टैग को भी लिख लेते हैं, और हेड टैग के अंदर हमारा जो बेसिक जो टैग आने वाला है वो है टाइटल, तो हमने इसको भी लिख लिया। ठीक है, और अभी हम आते हैं अपने नीचे बॉडी को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी, तो ये हमारा बॉडी टैग भी डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि HTML में जब भी हम कोडिंग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर तो फॉलो ही करना पड़ेगा हमें किसी भी हाल में। अभी हम इसको सेव करते हैं, और मैं क्या करता हूँ इसको अपने लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये लाइव सर्वर पे ओपन कैसे होगा, तो VS कोड जो होता है इसमें काफ़ी सारे फीचर होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जैसे कि मुझे अगर बूटस्ट्रैप 4 का कोई भी स्निपेट चाहिए होगा तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसके शॉर्ट की को प्रेस करूँगा और यहाँ पे अपने आप वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे है लाइव सर्वर, तो इसको भी हम अपना इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हम यहाँ से डायरेक्ट लाइव सर्वर को ओपन कर सकें। तो मैं सबसे पहले अपने लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ यहाँ से, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ खुल जाएगा, ब्राउज़र में खुल जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज़र में खुल चुका है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ साथ में ही कोडिंग करेंगे, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ प्रॉपर दिखता रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा HTML का पूरा जो ब्राउज़र में खुला हुआ है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखिए आपको सर्वर लोकल होस्ट का ये आईडी आपको मिल जाएगा, और ये आपका जो फाइल का नाम है वो दिख रहा है। लेकिन अगर हम जैसे ही HTML के इस टाइटल टैग में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं टाइटल, ठीक है, अब ये हमने टाइटल लिख दिया, और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश सेव किया तो देखिए हमारे यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अभी तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक हमारे टैग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो ये हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये भी यहाँ पे दिखने लगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो ये जो सबसे पहले आपको ऊपर ये लिखा हुआ दिख रहा है डॉक टाइप में हमने HTML डाला हुआ है, तो HTML 5 में जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें डॉक टाइप में यहाँ पे HTML देना पड़ता है,
जो कि काफ़ी आसान है अगर आप देखा जाए HTML 4 के दोनों को कंपेयर किया जाए तो। HTML 4 में हमें काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है, इसलिए वो कोड आपको याद भी नहीं रहेगा और कई बार लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो HTML 5 में ये सबसे अच्छी बात है कि इनको बस HTML हमने लिख दिया और वो ब्राउज़र को पता है कि ये HTML 5 का कोडिंग है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला टैग हो गया, ठीक है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। उसके बाद से हम क्या करते हैं, HTML की बॉडी को ओपन करते हैं कि जिसके अंदर हमें सारी कोडिंग लिखनी है HTML की। अब उसमें जो सबसे पहला टैग आता है आपका हेड टैग आता है, और हेड टैग में जितने भी कोड लिखे जाते हैं वो हमारे जो ब्राउज़र होते हैं उसके URL में, उसके टाइटल में दिखते हैं। बाकी जो कोड होते हैं, जैसे हम उसमें CSS को अगर लिंक करना होता है तो हम CSS का उसमें लिंक देते हैं, ठीक है। JavaScript को की फाइल को अगर इंपोर्ट करवाना है तो उसका भी लिंक हम यहाँ से देते हैं। तो उसके साथ साथ हम मेटा टैग वगैरह को भी यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम अभी टाइटल को देखते हैं कि देखिए आप, मैंने आपको बताया कि जैसे ही टाइटल को हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है ये चीज़, ठीक है। उसके पहले हमें पाथ दिख रहा था इसका पूरा फाइल का, ठीक है, लोकल होस्ट से लेकर। अब बात करते हैं हम बॉडी टैग में, तो बॉडी टैग में हम आ गए। तो बॉडी टैग में हम जितनी भी कोडिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस ब्राउज़र, यानी कि ये जो ब्राउज़र है ना, इसके अंदर दिखती हैं, ठीक है। अब हमने इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, हमारा जो एक टैग आता है H1 करके, यानी कि हेडिंग के जितने भी टैग हैं हम उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा और इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ आप देखेंगे इस फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया, ओके, यानी कि ये अब एक H1 हेडिंग हो गया है। फिर हम देखते हैं कि अब दूसरा हम लिखते हैं इसमें H2, यानी कि बारी बारी से हम जितने भी हेडिंग के आपके वो आते हैं टैग्स हैं उन सभी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि जो H1 में है वो बड़ा है और H2 में है उससे छोटा है। अभी हम आते हैं इसके H3 में, यानी कि ये टोटल 6 तक जाएंगे आपके। तो H3 को भी हमने लिखा और इसमें भी मैंने इसी चीज़ को पेस्ट कर दिया और इसको मैंने सेव करा, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। आपको ब्राउज़र में भी दिख रहा है ना साथ साथ में, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं, आप डिफरेंस खुद ब खुद देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं S4 की, इसमें भी सेम काम करते हैं। और इसके बाद से हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं H5 और यहाँ पे भी वही काम करेंगे। और फिर आ जाते हैं अपने नीचे, यहाँ पे लिखते हैं H6, ठीक है, और यहाँ भी वही काम करते हैं और इस सबको सेव करते हैं। तो फ़र्क जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो H1 टैग होता है उसमें हम कोई भी अगर कंटेंट लिखते हैं, कुछ भी डिफाइन करते हैं, तो वो हमारा पहला हेडिंग होता है, ठीक है। हमारे डॉक्यूमेंट का जो दूसरा हेडिंग होता है वो होता है H2 में, जो हमारे डॉक्यूमेंट का तीसरा होता है वो H3 में होता है, ऐसे करके 5, 4, 5, 6 में होता है, ठीक है। तो इन सब का एक अलग अपना अपना मतलब होता है। जैसे कि हम जब अपना वेब डेवलपमेंट में या फिर कोई पेज वगैरह बनाते हैं वेबसाइट में, एक्चुअली जब रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो मेन टाइटल होता है आपका H1 जो होता है वो हमें सिंगल टाइम यूज करना पड़ता है। H2 को हम 10 बार तक यूज कर सकते हैं, बाकी जो नीचे के टैग हैं उनको हम कई बार उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लाइक जब हम गूगल पे अपनी साइट को रैंक वगैरह करवाते हैं, जब SEO साइट की करेंगे, तो उन सब चीज़ों में हमें ये सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है ताकि जो गूगल का
गूगल हो या फिर किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर है, हमारी जब वेबसाइट पे आता है हमारे वेब पेजेस को एनालिसिस करता है, तो उन सब में जो फ़र्क हो, मतलब जो डिफरेंस हो, अपने डिफाइन कर पाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। फिलहाल के लिए हम अब बात कर लेते हैं अपने पी टैग के बारे में कि पी टैग क्या होता है। तो जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं ना, जो हमारे डॉक्यूमेंट में आपको पैराग्राफ दिखते हैं, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, उनको हम पी टैग के अंदर डालते हैं। अब पी टैग का भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पी टैग, और यहाँ पे देखिए पी टैग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। देखिए ये पैराग्राफ आपका हो गया, ठीक है। तो जो भी हम पैराग्राफ, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, तो हम ज़्यादातर पैराग्राफ में ही लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पैराग्राफ है बेसिकली इसी के लिए ही आता है। अब देखिए हेडिंग टैग में अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला हेडिंग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मैंने आपको बता भी दिया। तो पैराग्राफ का काम ही होता है कि हम कोई भी कंटेंट, अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी लिखते हैं अपने टाइटल को छोड़ के, तो वो चीज़ें हम पैराग्राफ में करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपका उसके बाद आता है आपका एचआर। अब ये जो एचआर होता है, ये हमारे जो ब्राउज़र है ना, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिए ये आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ड्रॉ हो चुका है, और एचआर को क्लोज भी नहीं करना पड़ा हमें। तो इससे ये पता चलता है एचआर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब एक बार ही ओपन होगा, और क्लोजिंग इसका कोई एंडिंग टैग होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका बेसिकली यही काम है कि हम अपने ब्राउज़र पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो एचआर का यूज कर लेते हैं। बाकी हम बात करते हैं बीआर टैग का। तो बीआर टैग जो होता है, बीआर टैग का यूज हम करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी कि सिंगल लाइन को हम चाहते हैं ब्रेक करना। अभी इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और इस पैराग्राफ के बीच में कहने आके लगा देता हूँ, तो अभी आपको फर्क साफ दिखेगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा, आप देखेंगे क्या हुआ कि हेलो दिस इज आपका ऊपर ही रह गया, और पैराग्राफ क्या हुआ, एक आपका लाइन वो नीचे खिसक गया, ठीक है। तो ये एक लाइन ब्रेक कर देता है, एक नए लाइन में इसको कर देगा। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसको दो बार मैं वी आर को यूज़ कर लूँ, तो फिर देखेंगे क्या फ़र्क होता है। देखिए दो लाइन आपका गैप हो गया नीचे। तो बीआर टैग का मतलब काम यही होता है कि वो हमें नेक्स्ट लाइन में उस जो भी हम कंटेंट उसके आगे छोड़ेंगे, वो उसको नेक्स्ट लाइन में करके देगा, ठीक है। बेसिकली इसको ब्रेक करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इस वीडियो सीरीज का एक और टैग आता है, वो है कमेंट टैग। यानी कि हम चाहते हैं कि जैसे हमने कोई एचटीएमएल का बहुत सारा कोड लिख लिया, ठीक है, और बाद में हमें लगा नहीं यार अभी इसको नहीं यूज़ करना है, इसके लिए कुछ और हमें लिखना है या फिर कुछ भी करना है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो कोड है, अगर हम इसे डिलीट कर देंगे तो फिर ये कोड तो हमसे फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कोड करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको डिलीट भी ना करना पड़े और ये हमारा ब्राउज़र पे शो भी ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कमेंट करते हैं। कमेंट का तरीका जो होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से कंट्रोल प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये कमेंट हो चुका है, ठीक है। और कमेंट हो चुका है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें आपकी कमेंट हो गई हैं, ओके। और
कमेंट होने का सिंबल भी आ गया और ये आपका ग्रेन भी हो गया, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका कमेंट है। और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अभी आप देखेंगे कि क्या चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे ये पूरा जो लाइन था वो नीचे से हट चुका है। तो कमेंट का बेसिकली यही मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को कमेंट कर देंगे तो हमारे ब्राउज़र पे वो चीज़ें शो नहीं होंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको अनकमेंट करते हैं। जो दूसरा मतलब जो बेसिक, अभी तो मैंने शॉर्टकट यूज किया है इसके लिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे ये हो गया आपका, और यहाँ पे इस सिंबल को डाल दिया। और देखिए इसको क्या करना है, हमें क्लोज करना है, नहीं तो ये पूरा ले लेगा। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं और सेव करेंगे तो देखिए ये चीज़ें प्रॉपर काम कर रही है, यानी कि वही चीज़ है। बाकी थोड़ा सा मैंने उसको शॉर्टकट किया था तो मैंने सोचा कि शुगर नहीं समझना है, तो ये भी बताना सही रहेगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में यही हम बताने वाले थे जो हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम HTML की सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कि जैसे हम जो भी CSS की कोडिंग करते हैं तो अगर हम उसको जैसे अगर इन लाइन CSS करना है हमें, ठीक है, तो फिर हम इन टैग्स के अंदर ही स्टाइल को डिफाइन करके उनका जो एट्रीब्यूट होता है उसका यूज करके इनका जो CSS है जो भी हमें चेंजेस वगैरह करने हैं कर लेंगे। बाकी अगर हम चाहेंगे कि जो हम यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करें तो उसको भी हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे हेड में ही यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। इस स्टाइल टैग का जैसे हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे ना वो सारा वो CSS का कोड हमारा यहाँ पे रन होगा, जो कि हम चाहते हैं कि इसका कलर कुछ और हो, फॉन्ट की साइज कुछ चेंज करना है, यानी कुछ भी करना है हमें, तो इसमें हम CSS का कोड लिख सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारी बाद की आने वाली वीडियोस की हैं, फिलहाल के लिए अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आज के लिए हमारा था और मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो अपना जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमें वीडियो बनाने में कितना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को इजी वे में हम समझा पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आप लोगों को वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर प्रकार के कंटेंट मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी बजा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें आपके साइड से मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, ताकि हम थोड़ा और मोटिवेट होके अच्छी वीडियोस बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।